बिहार भारत का वो राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटा है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो बिहार राजनीति को लेकर हमेशा ही चर्चे में रहता है, लेकिन यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ ऐसी कई स्मारक है जो खूब देखने लायक है। अगर आप आदिवासी सांस्कृतिक का अनुभव करना चाहते हैं या फिर ग्रामीण जीवन बिताना चाहते हैं तो बिहार बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन जैन और हिंदुओं के लिए भी यह एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यही नहीं, बिहार में ऐसी बहुत सी जगह है जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ऐसे में बिहार की औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान स्थापित करने वाले बेगूसराय में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं और पिकनिक स्पॉट है जहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं। यदि आप नए साल पर परिवार के साथ जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो बेगूसराय स्थित हरिगिरि धाम मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। इसके आसपास का मनोरम वादियों आपको काफ़ी सुकून देगा। यहाँ आने वाले पर्यटक पूजा अर्चना कर सबसे पहले अपने लिए मनोकामना मांगते हैं, फिर इस पर्यटन क्षेत्र का खूब आनंद लेते हैं। बेगूसराय जिला रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ बिहार सहित देश के किसी भी कोने से पहुँचा जा सकता है। आपको बता दें कि बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर हरिगिरि धाम मंदिर है। यहाँ जाने के लिए जिला मुख्यालय से वाहन आसानी से मिल जाती है। आपको बता दें कि हरिगिरि धाम काफी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सालों साल पुराना है। इसे मुगल शासन काल में तोड़ दिया गया था और स्थानीय लोगों की मान्यता के मुताबिक भगवान शंकर ने सपने में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी। यहाँ प्राचीन शिवलिंग भी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और साथ ही यदि कोई खास मौका हो तो यहाँ खूब भीड़ लगती है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में सिमरिया गंगा धाम से कांवरिया जल भरकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं तथा मनोवांछित फल पाते हैं। इसके अलावा बता दें कि नव वर्ष को लेकर भी काफी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं और यहाँ पर 10 मंदिर स्थापित है, जबकि 3 मंदिरों में निस्वार्थ पूजा अर्चना और जप तप करने वाले 3 ऋषियों की समाधि है। ऐसे में नए साल की बात करें तो जिला मुख्यालय से श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की जाती है और मंदिर के आसपास 50 से अधिक दुकानें भी है। इस दौरान वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है और साथ में कमाई भी खूब होती है। यहां पूजा पाठ से लेकर खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध है। यहाँ आने वाले लोगों को मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ हर संभव ख्याल रखा जाता है। इस खबर में इतना ही। बने रहे लाइफ स्टीज के साथ। धन्यवाद।